इंटीरियर और आर्किटेक्चर एक ऐसा आई थिंक टैलेंट है जो बहुत कम लोगों में होता है. जैसे हम मुझे अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट दे दो तो मैं देख सकती हूँ कि वो सीन कैसे होगा, मैं कहाँ कहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दे सकती हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू इमेजिनिंग हाउ इंटीरियर्स विल हैपन और डेवलप एंड स्पेशली यू नो लाइक पुटिंग द प्रैक्टिकलिटीज इन प्लेस, आई हैव नो इमेजिनेशन. सो आई हैव ट्रिमेंडस रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन बिकॉज वी कीप altering and sprucing up the interiors of our house all the time and it's a great privilege to be here. Mujhe bulaya unhone and according to me film industry and the architecture is hand in glove with each other because aapne dekha hoga ki hamari film industry mein jo sets lagte hain wo bhi they play a great part in the scripts, you know, in the filmmaking. And so this is connected in a way with the film industry. So I thought I'll go and see and have some experience about new technology. भाई हम तो इंटीरियर के बगैर काम कर ही नहीं सकते. घर चाहे घर में हो या हमारी फिल्मों में हो, इंटीरियर डिज़ाइन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. और हमने अभी एक फिल्म जो कंप्लीट की है उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल कैफ़े हमारे डिज़ाइनर ने बनाई. तो हर फिल्म में, वो चाहे मुगले आज़म हो या छोटी सी छोटी फिल्म हो, इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर फिल्मों के लिए भी बहुत ज़रूरी है. और मेरा ख्याल है जो यंग स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है ऐसे अवार्ड्स दिए जाएं जैसे हमारे फिल्मों में दिए जाते हैं, डेब्यू अवार्ड्स. तो ये यंगस्टर्स जो निकल रहे हैं उनको इनक्रेजमेंट मिलेगी कि एक दिन वो भी ऐसे अवार्ड्स लेंगे और मेहनत से काम करेंगे, प्यार से काम करेंगे. मैंने अवार्ड दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा. यू नो इतने यू नो टैलेंटेड लोग हैं, ऑल द इंटीरियर गाइज एंड ऑल द आर्किटेक्ट्स. आई थिंक इट्स रियली ह्यूज प्रिविलेज टू बी अंडर द सेम रूफ और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर. फिलहाल तो मेरा घर बहुत फ्रेश नया है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कुछ भी चेंज हो. और मुझे भी इंटीरियर में काफ़ी इंटरेस्ट है एक्चुअली, क्योंकि मेरा खुद का घर मैंने खुद से किया है और कोई इंटीरियर डेकोरेटर को हायर नहीं किया है. तो डेफिनेटली इंटरेस्ट है. और यहाँ पर जब आप ऐसे अवार्ड फंक्शन में आते हो आपको ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है. तो आई थिंक शायद इसीलिए मैं इस अवार्ड फंक्शन में आई थी.